शिया समुदाय की राजनीति में हिस्सेदारी और उनसे जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आज लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में शिया महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए शिया धर्मगुरुओं और समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के आयोजक मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी ने कहा कि पिछली सरकारों ने ये समुदाय के लिए कोई काम नहीं किया है, आज पसमानदा मुसलमानों की बात हो रही है। शिया सबसे ज्यादा पिछड़ी कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारे समुदाय के लिए बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि यह सरकार शिया समुदाय के हितों को देखते हुए उनके उत्थान के लिए काम करेगी। सर, आज है सम्मेलन शुरू कर रहे, कैसे कि इसको देखते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये चाहते हैं कि योगी जी तक भी हमारी बात पहुंचे और मोदी जी तक भी हमारी बात पहुंचे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे मुश्किलों को कोई हल नहीं कर सकता। इससे पहले जो है वह हम हर हुकूमत में हमारे साथ ज़्यादती की गई, हर हुकूमत में हमारे हकूक जो है और हमारे अधिकार जो उनको कुचला गया। हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर किसी से है, इसीलिए हमने जैसा कि उम्मीद सबसे ज़्यादा अगर किसी से है तो इसी पार्टी से, जिसकी इस वक्त हुकूमत है, चाहे वो यूपी में हो चाहे वो सेंटर में हो, कि ये हमें हमारा अधिकार हमें दे जो किसी भी हुकूमत ने हमें अधिकार नहीं दिया है। इसी तरह से पसमानदा के नाम से जो चीज़ भी आ रही है वह शियों तक भी पहुँचना चाहिए, क्योंकि सबसे पसमानदा शिया हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए शिया हैं, उन तक पहुँचना चाहिए। स्पेशल पैकेज का होना चाहिए। किसी तरह से पार्लियामेंट में हमारा कोई नुमाइंदा नहीं, इसी तरह असम्बली में हमारा कोई नुमाइंदा नहीं, लिहाजा हमें वहाँ के ऊपर सीट मिलना चाहिए दोनों जगह के ऊपर, ताकि हमारे बात वहाँ तक हुकूमत तक पहुँचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है हमारी गरीबी का दोहा पढ़ने वाला कोई नहीं है, लिहाजा वहाँ पर हमारा नुमाइंदा होना ज़रूरी है। हम हमेशा इस हुकूमत के साथ रहे हैं और आइंदा भी साथ रहेंगे, ये हमारा पूरा वादा है। लेकिन इस हुकूमत को भी हमारा ख्याल रखना चाहिए और हमारी बातें मानना चाहिए और जो हमारी जायज़ हमारी डिमांड्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। पसमानदा समाज को सरकार ने जो है बहुत अपने करीब माना है और कहा है मेरे साथ के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पसमानदा कोई ज़ात नहीं है, पसमानदा की मानी पिछड़ा हुआ। तो जब पिछड़ा हुआ पसमानदा, देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि सबसे पिछड़े हुए मुसलमान हैं और मुसलमानों में सबसे पिछड़े हुए शिया हैं, लिहाजा इनको भी साथ साथ शामिल होना चाहिए, इनको भी शामिल करना चाहिए स्कीमों में। शियों को भी गवर्नमेंट को अपनी की स्कीमों में शियों को भी शामिल करना ज़रूरी है, इसीलिए हमने ये रास्ता किया है, ताकि हम अपनी बात योगी जी और मोदी जी तक पहुँचा दें।